हमारे सभी युवा साथियों ने हमारा सहयोग दिया। गाँव को इस कोरोना वायरस की जो भयंकर महामारी बीमारी है उससे बचाव के लिए हमने घर घर जाकर लोगों को संदेश दिया कि गांव से बाहर ना निकले और गांव के अंदर ही रहे और बहुत ही सावधानी बरते। जो हमने गांव प्रभुवाड़ा के अंदर मेरे सभी युवा साथी जो हमारा संगठन है युवा संगठन प्रभुवाड़ा वे ही सभी जुझारू साथी हमारे साथ आए हैं और पंचायत का हमारे साथ कोई सहयोग नहीं है। ये सब हमने अपने लेवल पे किया है। जो ये बहुत महाबीमारी फैल रही है पूरे विश्व के अंदर, जो सभी इतने बड़े बड़े देश इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, तो मैं युवा संगठन प्रभुवाड़ा की ओर से गांव प्रभुवाड़ा को यही संदेश देना चाहूँगा कि वे घर से बाहर ना निकले और जितनी हो सके सावधानी बरते, समय समय पर अपने बाहर से आए हाथ धोए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क जरूर लगाए, बड़े इलाकों में मत जाए। और जितने भी मेरे बुजुर्ग है जो भी गांव के अंदर वे जो कि चौपाल के अंदर जो उनका रूटीन है ताश वगैरह खेलने का, वहां पर वे ताश तूस मत खेले। और मान लो जितना भी हो सके दो से तीन से ज़्यादा फालतू बंदे इकट्ठा मत हो, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। जितनी हो सके सावधानी बरते, इसका यही इलाज है और चैन सिस्टम ना बनाए, इसी माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव में प्रभुवाड़ा में जैसे कि अभी सैनिटाइज हुआ है और पूरे गांव का हमने युवा संगठन के सहयोग से और अपने विशाल रेड्डी जी जो प्रधान हैं उन्होंने पूरी मतलब एक एकजुटता दिखाते हुए पूरे सैनिटाइज किया है। तो सभी मैं लोगों से अपेक्षा ये करूँगा कि इकट्ठे ना हों, अपने बच्चों को, अपने पालतू जानवरों को, पशुओं को और एक ग्रुप में ना रहें, सैनिटाइजर करते रहें, हाथ धोते रहें और अपने आप को बचा कर रखें। हम बचेंगे तो देश बचेगा और देश बचेगा तो कोरोना हारेगा और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और पूरा देश आज इस संकट की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ बचाव कर सकता है तो घर पर रहकर कर सकता है। तो पूरे मैं कहना चाहूँगा कि अपने सभी लोगों को सहयोग करें, इसमें पूरा गाँव सहयोग करेगा तभी बात बनेगी और हमारा निकट भविष्य में आज या कल भी हमारा एक कार्यक्रम रहेंगे कि हम लोगों का अवेयर करें सैनिटाइजेशन के बारे में और इसके बारे में हमारे आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और आपको और भी सूचनाएं लाउड स्पीकर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से देते रहेंगे। Thank you.